हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग और हैप्पी दशहरा। आज है फ्राइडे और आज मैं मॉर्निंग में बना रही हूँ गोभी के पराठे विद चाय। तो चाय मेरी रेडी हो गई है और आटा भी गूंध लिया मैंने, और गोभी को मैंने 10 मिनट गर्म पानी, नमक वाले गर्म पानी में डाल दिया था और उसके बाद मैंने उसको कस लिया है। और यहाँ पर नीर खेल रहे, इसलिए आपको ऊपर की आवाज़ आ रही है, मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। और उसमें से मैंने सारे जो गरम मसाला, धनिया पाउडर और रेड मिर्च होती है वो डाल लिया है और उसको स्टफिंग रेडी कर ली है। मैंने इसको गैस पे भूना नहीं है, मतलब जो जैसे आप चाहे तो गोभी को थोड़ा सा गैस पे भून भी सकते हैं, लेकिन इसने यहाँ पर पानी भी नहीं छोड़ा है तो मैं ऐसे ही बनाती हूँ। मुझे इससे थोड़ा जो इससे कच्चा टेस्ट होता है वही अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मेरे पराठे बन के रेडी हो गए। आज मैं स्टफ रोटी नहीं बनाई, मैंने पराठे ही बनाए हैं। तो ये है विनोद का पराठा और नीरव ने नीरव गोभी का पराठा नहीं खाता है तो नीरव के लिए मैंने बनाया है आलू का पराठा। चलिए ब्रेकफास्ट एंजॉय करते हैं। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग तो क्या, गुड आफ्टरनून हो गया है, 12 बज गए हैं। और जय माता दी, मैं जा रही हूँ माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए। और मैं क्या मतलब विनोद, नीरव, परी, मम्मी पापा मतलब मेरी सास ससुर और मेरी सिस्टर इन लॉ और उनकी बेटी, तो हम लोग जा रहे हैं आज वैष्णो देवी जी के दर्शन के लिए। तो हमारी ट्रेन है रात को 10:15 बजे दिल्ली से। और फिर मैंने सोचा आज मैं तो बता देती हूँ अब, तो काफी अच्छा लग रहा है। एक्चुअली हम हर साल जाते हैं, लास्ट ईयर नहीं जा पाए थे क्योंकि परी थी उस टाइम पर। तो हर साल अक्टूबर में ही जाते हैं, तो अभी मतलब इसी जो विंटर ब्रेक होता है ये वाला दशहरे वाला, उसी में जाते हैं। तो अभी मुझे बहुत सारी तैयारी करनी है और मैं सोचा आज का पूरा दिन मैं अपने पैकिंग वैकिंग क्या कर रही हूँ वो सब आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। तो ऑलरेडी 12 बज चुके हैं, सिर्फ ब्रेकफास्ट हुआ है और जो नॉर्मल काम होता है वो हुआ है। तो अभी मुझे करनी है पैकिंग, करनी है हेयर कलर, करना है फेस मास्क लगाना है, बहुत सारे काम हैं। और परी का कोल्ड तो ठीक हो गया, उसको थोड़ा सा कफ है। रात को एक्चुअली क्या हुआ, कल वो एक ही बार सोई दिन में, और दिन में जो 10-11 बजे सोती है वो तभी सोई थी, फिर उसके बाद वो सोई ही नहीं और रात को वो 9 बजे सो गई और फिर 1 बजे उठ गई, 1 के भी 12 बजे के आसपास उठ गई थी और हम जग रहे थे उस टाइम पे। और फिर वो सोई है 3:30 बजे जा करके, तो तब तक मैं जग रही थी और मेरे को बहुत मतलब बुरे वाली नींद आ रही है और आंखें भी दर्द कर रही है। फिर सुबह फिर वो जल्दी उठ गई, सॉरी, तो परी तो अब सो गई है लेकिन मुझे बहुत सारा काम करना है। तो चलिए मैं आप लोगों के साथ अपना जो भी कर रही हूँ वो शेयर कर लेती हूँ। और स्टेशन से लेके और वापस आने तक का मैं एक अलग से ब्लॉग बनाऊंगी, वो मैं जो आप लोगों के साथ मंडे को शेयर करूंगी। तो हम कब जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो सारा मैं नेक्स्ट ब्लॉग में शेयर करूंगी। और आज के ब्लॉग में मैं अपनी सारी तैयारी शेयर करती हूँ। तो चलिए जय माता दी स्टार्ट करते हैं। तो मैं पहले कलर कर लेती हूँ, बाल में कलर लगाना, वैसे तो ऑयली हो रखे लेकिन अभी कोई ऑप्शन नहीं है कि मैं अभी बाल धोऊं और फिर कलर करूं, बट मैं अभी सीधा ही कलर कर लेती हूँ। तो मैं मेरे से पूछा था कि आप कौन सा यूज करते हो, मैं गार्नियर का यूज करती हूँ, लेकिन ये इसमें एक नंबर आ गया और एक नंबर जो होता है ना ब्लैक, वो बहुत एकदम से ब्लैक हो जाता है। तो आप 2 नंबर या 3 नंबर यूज कर सकते हैं, 2 नंबर यूज करती हूँ शायद मैं, बट ये अभी 1 नंबर आ गया है तो कोई नहीं, वो तो जो भी है उसे काम चलाना पड़ेगा। क्योंकि मुझे कलर करना था परी के बर्थडे पर, बट तब भी टाइम नहीं मिल पाया, तो आप तो मुझे करना ही है ये, तो मैं ये वाला कलर कर लेती हूँ पहले। और कलर के साथ साथ मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा क्या मतलब फेस पैक लगा लूँ। तो ये फेस पैक है और ये मेरा ऑल टाइम फेवरेट है, मैं इसका जो लिंक है वो डाल दूंगी, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। तो मैं अभी फेस पैक लगा रही हूँ और परी परी उठ गई है, परी सो रही थी। हेलो, अच्छा कर लो, हेलो कर लो, अब खुद ही कर लेती है, मुझे बोलने की जरूरत नहीं पड़ती इसको। चलो अभी थोड़ी देर खोल लो,
सबको हेलो कर दो, हेलो कर दो सबको। और फ्रेंड्स मैंने ये अपने कपड़े निकाल के रख दिए हैं। मैंने एक सूट लिया है, कैप और सॉक्स हैं, और ये वाला जो ब्लैक वाला सूट है ये मैं पहन के जाऊंगी। और ये है नीरव के कपड़े, तो नीरव के भी एक जोड़ी ली है, जीन्स है और स्वेटशर्ट है, एक इनर है, जैकेट है और कैप है और सॉक्स है, तो यही है। और बाकी एक स्वेटशर्ट और जीन्स नीरव पहन के जाएगा। और ये है परी के, जिसको मतलब ये हमने चूज़ करके तो पहले रख दिए थे, एक बार फिर से दोबारा से नज़र मार लेते हैं क्योंकि आजकल मौसम का कुछ नहीं पता है। आज फिर मौसम चेंज हो रखा है, तो पता नहीं बारिश हो जाए क्या है, तो एक एक तो छोटे बच्चे का तो एक्स्ट्रा लेना बनता ही है। तो सबसे बड़ी जो कन्फ्यूजन हो रही है वो परी के कपड़ों में हो रही है कि क्या लें और क्या ना लें, समझ ही नहीं आ रहा। क्योंकि दिन में टेम्परेचर वैसे सेम ही रहता है यहाँ जितना, लेकिन रात को हो जाती है ठंड। और लेकिन आज जैसे मौसम चेंज है तो हो सकता है फिर से टेम्परेचर चेंज हो जाए। तो यहाँ पर मैंने उसकी दो स्वेटशर्ट ली है, दो गर्म पजामी ली है, जैकेट है और इनर तो है ही, और सॉक्स और कैप है और शूज़ हैं। तो एक जैकेट वैसे ली है थोड़ी हल्के वाले, जैसे रात को पहनाने के लिए या जब छाया में चलेंगे तब पहनाने के लिए, तो उस हिसाब से मैंने उसकी ये सब चीज़ें ली हैं। तो फ्रेंड्स लंच का टाइम हो चुका है और मैं बना चुकी हूँ, राइस बनाए हैं मैंने, पुलाव बनाए हैं, मटर पुलाव। और वैसे तो मेरा मन था कि भिंडी बनाऊं, नवरात्रि भी ख़त्म हो चुके हैं, बट फिर प्याज भी नहीं थे तो मैंने सोचा फटाफट से वैसे भी राइस ही बन सकते हैं, और तो इससे ज़्यादा क्या बनेगा। और पैकिंग अभी विनोद आ गए हैं तो विनोद के साथ पैकिंग करवानी है, एक बार लंच कर ले उसके बाद, क्योंकि विनोद बहुत अच्छे से लगा देते हैं बैग में, तो बैग में लगाना है वो काम विनोद का है। और मैं यहाँ पर राइस डाल रही हूँ और बस लस्सी और कुछ भी, आज मैंने सैलेड वगैरह कुछ भी नहीं लिया है, सिर्फ लस्सी ली है, लस्सी और राइस, थोड़ा सा सिंपल, क्योंकि जाने की जब जल्दी होती है तो सबसे जल्दी का जो ऑप्शन होता है वो मुझे यही लगता है। तो चलिए फटाफट से अपना लंच कर लेते हैं और उसके बाद अपनी पैकिंग स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स ये है हमारे बैग, ये वाला इसमें है हम सबका सामान, इसमें है, इसमें है और उसमें है कंबल। तो ये वाला है जो जिसमें कंबल है रेड वाला, इसको तो स्टेशन पे ही छोड़ करके जाएंगे और बाकी इन दो को लेके चढ़ना है, बट पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हैवी हो गया है, मतलब चार जनों का मुश्किल है। तो देखते हैं वहाँ पर, अभी तो ये डिसाइड किया है कि वहाँ पर जो सामान लेके चढ़ते हैं उनको दे देंगे बैग, कि बहुत ज़्यादा हैवी है और वैसे हो भी नहीं पाएगा कि सारा बैग, और वो सोच रहे थे नीरव और राखी उसको डिवाइड करके ले लेंगे, बट ऐसा नहीं हो पाएगा क्योंकि वो भी हैवी हो गया है, चार जनों के यार कपड़े तो थोड़े हैवी हो ही जाते हैं। तो वैसे तो क्या होता है हम हर साल खुद ही लेके चढ़ते थे क्योंकि दो बैग हो जाते थे, नीरव को लेके चढ़ना नहीं पड़ता था, दो बैग होते थे, मैं और विनोद कैरी कर लेते थे। लेकिन अब परी है तो परी को तो लेके चढ़ना पड़ेगा, अगर विनोद परी को लेके चढ़ते हैं तो इतना हैवी बैग लेके उससे नहीं चढ़ा जाएगा। मैंने एक बार जस्ट अभी टांग के देखा और कमर की हालत ख़राब हो गई है क्योंकि मौसम ऐसा हो रखा है कि एक एक तो एक्स्ट्रा लेना ही पड़ा है बच्चों का, मतलब बहुत मिनिमम कपड़े लिए मैंने, उसके बाद भी बहुत हैवी हो गया है। 6-7 डिग्री टेम्परेचर है वहाँ पे, शाम को 5 बजे के आसपास स्टार्ट हो जाता है, तो 6-7 डिग्री मीन्स हमारे यहाँ पे दिसंबर जनवरी में जो ठंड होती है उतनी। तो जैकेट हमने, मैंने और विनोद ने सिर्फ अपनी जैकेट ली है गर्म, और कुछ भी गर्म नहीं लिया है उसके बाद भी, मतलब ये है। और नीरा की भी एक जैकेट गर्म है और एक इनर है बस, बाकी के कपड़े जो वहाँ ऊपर भवन पे जाके हम चेंज करेंगे वो हैं, तो बहुत ज़्यादा हैवी हो गया है। तो अभी तो यही डिसाइड किया कि वहाँ पे पिट्ठू कर लेंगे, वो उनको सामान दे देंगे और फिर परी और नीरव को, सॉरी
परिको मैं और विनोद दोनों थोड़ा थोड़ा करके मतलब चेंज कर करके उसको लेके जाएंगे। क्या करें, अभी एक दो साल तो ऐसे ही करना पड़ेगा। बाकी रेडी हो गए हैं और 5 बजने वाले हैं, तो देखते हैं कैसे जाते हैं। और अभी चलिए बनाती हूँ मैं अपनी चाय। तो फ्रेंड्स अभी 5:30 हो चुके हैं और मुझे निकलना है 7:00 मतलब निकल जाएंगे हम, क्योंकि यहाँ गुड़गांव से हम ट्रेन लेंगे दिल्ली के लिए, फिर दिल्ली से है आगे की ट्रेन। तो गुड़गांव से और कुछ दूसरा ऑप्शन ही है, ओला वगैरह सोच रहे थे, बट आज दशहरा है तो इतना ट्रैफिक होगा उसका भी कोई बेनिफिट नहीं है, कॉस्टली भी मिल रही है प्लस ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा है। अगर स्टक हो गए ट्रैफिक में तो ट्रेन छूट जाएगी, फिर कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। इसलिए यहाँ से जो ट्रेन जा रही है गुड़गांव से दिल्ली वाली, हम वो वाली पकड़ेंगे और वहाँ से फिर हमारी है। तो मैंने सोचा फटाफट से आप लोगों को बर्थडे विश कर देती हूँ। और उससे पहले मिस नीलोफर, आई एम सॉरी, मुझे मतलब ध्यान नहीं रहता यार कि कौन से कपड़े पहनते हैं, जो धुल जाते हैं जो सामने जाते हैं वही पहन लेती हूँ। तो शायद 3-4 दिनों में ब्लैक में ही हूँ और आज फिर मैंने ब्लैक ही पहना है, तो मेरे सामने यही था मैंने इसलिए डाल दिया। मैंने अभी अभी आपका कमेंट पढ़ा, तो मैं आने के बाद अलग अलग ट्राई करूँगी कपड़े, मतलब ट्राई करूँगी कि एक ही कलर ना हो। और यस, ये है मेरा नेल पेंट, किसी ने पूछा था, तो ये है नायका का और इसका है मसाला चाय। इसका जो जो अभी मैंने लगा रखा है ये वाला, ये है मसाला चाय नायका का और 01, तो ये वाला है। और मैं अभी जो लगाने जा रही हूँ वो मैं ये वाला लगाऊंगी, और ये है कलर बार का है ये, और ये पहले भी पूछा था, ये वैम्प 31 है, तो ये वाला भी बहुत अच्छा कलर है। अभी मैं ये वाला अप्लाई करने जा रही हूँ। उससे पहले मैं सोचूँ कि बर्थडे विश कर देती हूँ फटाफट से। तो आज है 19th और आज है बहुत सारे बर्थडे हैं। आज स्तुति का बर्थडे है, श्वेता की बेटी है स्तुति, उनका बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे बेटा। और शाहिद है, आफरा जी के हस्बैंड है शाहिद जी, तो शाहिद जी हैप्पी बर्थडे, आपकी वाइफ ने बोला था कि आपको विश करूं मैं, तो इसलिए। और हरुण जोत बरार का बर्थडे है आज, ये भी मेरे एक सब्सक्राइबर है, उनके बेटे का नाम है, तो हैप्पी बर्थडे आज 19th वालों का। और श्रद्धा रोबिन जी एक सब्सक्राइबर है मेरी, तो उनकी आज एनिवर्सरी है, तो हैप्पी एनिवर्सरी श्रद्धा जी। उसके बाद है 20th को बर्थडे है हंस सोनी की बेटी का, तो हैप्पी बर्थडे। और आज जरीन का बर्थडे है, तो आज ही बर्थडे शायद उनका, उन्होंने ये लिखा नहीं कि कब का था उनका बर्थडे, तो जरीन का भी बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे। और उसके बाद है ईशान का बर्थडे है, जो परी के बेटे हैं, तो ईशान हैप्पी बर्थडे। रेनू का भी है, तो रेनू और ईशान हैप्पी बर्थडे, 21st को है उनका, तो 21st को मैं शायद पोस्ट नहीं करूँगी, तो मैं अभी उनको विश कर देती हूँ। और निधि और नक्श का बर्थडे है 22nd को, तो हैप्पी बर्थडे इन एडवांस निधि एंड नक्श, मैं बिलेटेड करती हूँ, अब आज मैं एडवांस में कर रही हूँ 21st और 22nd वालों को इन एडवांस हैप्पी बर्थडे। तो ये वाली लिस्ट थी आज मेरे पास बर्थडे की, तो मैंने 22nd तक के जो बर्थडे थे वो विश कर दिए हैं। और आप मुझे एक दिन पहले कमेंट कर दें तो वो ठीक रहेगा, क्योंकि अगर आप एडवांस में करते तो फिर कहीं ना कहीं मिस हो जाता है। अगर जैसे 23rd का है तो 22nd को अगर आप मुझे मैसेज ड्रॉप करेंगे तो मैं 22nd को विश कर दूँगी, तो ऐसे थोड़ा सा मेरे लिए भी ईजी रहेगा, मतलब मुझे ऐसा लगता है। और पैकिंग वगैरह सब हो गई है, बस अभी मेरे को नेल पेंट चेंज करना है जब तक विनोद रेडी होते हैं, और मुझे बस एक बार फेस वॉश करना है, बाकी रेडी हो चुके हैं, नीरा को भी नहाना है, तो जब तक मेरा ये सारा काम हो जाएगा। और मैं ये वाला ब्लॉग भी एडिट करके डाल दूँगी जो कि कल पोस्ट होगा। तो चलिए इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, और नेक्स्ट इससे आगे का जो ब्लॉग है वो मंडे को पोस्ट होगा पूरा। तो फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।